इस लेसन में हम पॉइस रेशियो के बारे में सीखेंगे जब हम कोई वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका लेंथ इनक्रीज होता है और डायमीटर डिक्रीज होता है राइट पॉइस रेशियो होता है सिग्मा ये क्या है लैटरल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन इज ड्यू टू डिक्रीज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन इसको बोलते हैं पॉइस रेशियो लैटरल स्ट्रेन क्या है डेल्टा डी बाई डी लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाय एल ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इसलिए माइनस so, है अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है डायमीटर डिक्रीज करेगा सो पॉइस रेशियो है माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाय पॉयस रेशियो इज लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन है डेल्टा डी बाई टी। लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए एक माइनस है यहाँ पे पुट करते हैं सो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाय एल राइट जब भी कोई वायर को पुल किया जाता है उसका डायमीटर कम होता है लेंथ बढ़ता है

सो पॉइसन्स रेशियो इज डायमेंशनलेशस पॉइस रेशियो क्या है लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गचूनल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन है डेल्टा डी बाई डी लॉन्गचूनल स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन रहता है सो so, सिग्मा और पॉइसन्स रेशियो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल